बहुत लोग सोचते हैं गाड़ी को हम EMI फाइनेंस कैसे कराएं। जी हाँ, तो आज आप हम वीडियो में इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। आज हमारे पास अवेलेबल है आप सभी की ऑल न्यू Hyundai Venue BS6 2022 मॉडल। ये हमारे पास फेसलिफ्ट वर्जन इसके अवेलेबल है, S वेरिएंट आज हमारे पास है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कि अगर आप में कोई भी सोच रहा है EMI लोन फाइनेंस कैसे कराएं, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल में पहली विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल Hyundai Venue के बारे में। तो एस वेरिएंट की लगभग ऑन रोड प्राइसिंग आप 10 लाख रुपये लेके चलेगी। 10 लाख रुपये ये गाड़ी हमको ऑन रोड कॉस्टिंग करती है, देख सकते हैं Hyundai Venue। EMI की बात करेंगे आप मिनिमम 3 लाख रुपीज़ आपने पेमेंट कर दिया, 3 लाख रुपये आप स्टार्टिंग में देने को तैयार हैं, तो आपका जो अमाउंट टोटल बच रहा है वो बच रहा है 7 लाख रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के आसपास हम ले चलते हैं, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी 10 लगता है कभी 12 लगता है, तो हम मिडिल निकाल लेते हैं 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले चलते हैं। चलिए हो गई गाड़ी की, हमने 3 लाख रुपये दे दिया, 7 लाख रुपये हमें फाइनेंस करवाना है, 10 लाख रुपये हमें गाड़ी ऑन रोड कॉस्टिंग कर रही है। उसके बाद कितने साल के लिए कराना है, 5 साल के लिए हमें कराना है, 5 साल के लिए हम चाहते हैं फाइनेंस करवाना लोन को। चलिए तो पर मंथ जो आपका कैलकुलेशन निकल के आएगा, पर मंथ जो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, जो आपकी EMI कटेगी हर महीने आपके अकाउंट से, 15,219 रुपये, 15,219.70 पैसे ये कुछ आपकी EMI कटने वाली है। लगभग आप ले के चल सकते हैं 15,220 रुपये आपके हर महीने अकाउंट से कटेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया वो लगभग 11% हमने लेके चला है। उसके बाद टोटल जो आपको इंटरेस्ट पेबल करना पड़ेगा वो लगभग आपको 213,182 रुपये, 213,182 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। जो आपने 7 लाख रुपये पे इंटरेस्ट लिया हुआ है उस पर आप लोगों को 213,182 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपको एक बार हम शुरुआत से बता देते हैं, आपने हम गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं हम Hyundai Venue, हमको Hyundai Venue की ये S वेरिएंट लेनी है, इसकी ऑन रोड प्राइसिंग 10 लाख रुपये पड़ रही है, हम 3 लाख रुपये करेंटली इसके लिए पे कर रहे हैं, 3 लाख रुपये हमने पे कर दिया, जो बचा अमाउंट वो बचा आपका 7 लाख रुपये। 7 लाख को हमको फाइनेंसर के थ्रू फाइनेंस करवाना है या बैंक के थ्रू फाइनेंस कराना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 10 चलता है कहीं 12 चलता है, वो थोड़ा बहुत स्कीम में चेंजेस होते रहते हैं। तो हम 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं और आपको 5 साल के लिए फाइनेंस कराना है। चलिए ये दो बात आपने, तीनों बात समझ ली। उसके बाद जो आपका 2,000-3,000 रुपये फाइल चार्ज लगता है जो आपका फाइनेंस कराना है, वो तो आपको उस टाइम देना पड़ता है, कैश दे देंगे तो वो चीज़ उधर से चला जाता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद हर महीने हमारे EMI कितना कटेगा हमारे अकाउंट से उसकी बात कर लें, 15,220 रुपये, 15,220 रुपये हर मंथ EMI कटेगा हमारे ओवरऑल अकाउंट से, तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 11% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, हमने 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चला है, तो उसके हिसाब से जो हर महीने हमारे अकाउंट से कटेगा पैसा वो 15,220 रुपये कटेगा। बाकी अगर बात करें हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा है, तो लगभग 213,182 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो मतलब हमने एक्स्ट्रा पे किया 7 लाख रुपये का जो इंटरेस्ट हमने लिया 5 साल के लिए, उस पर जो हमने एक्स्ट्रा पे किया वो आपका अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 213,182 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट हो गया, जो हमने 7 लाख रुपये का लोन लिया था उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट पड़ा 213,182 रुपये, उसको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें पड़ गया 913,182 रुपये। तो अगर आप गाड़ी की ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो हमने लगभग 3 लाख रुपये स्टार्टिंग पे कर दिया था, और ये जो हम 5 साल का अमाउंट पे करेंगे तो 9+13 तो आपको 913,182 रुपये इधर कट रहा है, और जो हमने 3 लाख रुपये स्टार्टिंग में देता तो 12,13,182 रुपये आपको टोटल आपकी गाड़ी कॉस्टिंग करेगी। तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ जाएगी 5 साल के लिए जो आप फाइनेंस करा रहे हैं वो 213,182 रुपये। तो बस कुल मिला कितना जाने, 213,182 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, आपको नॉर्मल बैंक का पासबुक दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, 4 से 6 आपके फोटो लगेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। तो ऐसा ओवरऑल होता है। बाकी आपको फाइनेंस कराना है तो आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप जहाँ भी कोई भी गाड़ियाँ चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग वहाँ पे फाइनेंसर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या आप अगर बैंक में हैं बैंक में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैंक में भी आपको फाइनेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ स्कीम ऑफर्स आते रहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल फंडा होता है यही फंडा होता है, इसके थ्रू गाड़ियाँ फाइनेंस होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं, नीचे जो आपको लाल कलर बटन दिख रहा है कैसे भी ठोक दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी समझ में आए कैसे गाड़ी EMI फाइनेंस पे लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।